नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको धर्म करम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। धर्म करम। धर्म करम राज कपूर द्वारा निर्मित और रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी ड्रामा फिल्म है, जो फिल्म में क्रमशः पिता और पुत्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। फिल्म में रेखा, प्रेमनाथ और दारा सिंह भी हैं। संगीत आडी बर्मन का है और गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं, जिन्हें हिट गीत एक दिन बिक जाएगा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला। इस गाने को फिल्म के दौरान 4 बार बजाया गया है, जिसमें किशोर कुमार, मुकेश और सुषमा श्रेष्ठ ने पार्श्व गायक किया है। उन तीनों में से केवल मुकेश को एक मिला गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के रूप में फिल्म फेयर नामांकन। एक सूत्र के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से नीचे का प्रदर्शन किया। निर्देशक रणधीर कपूर द्वारा लिखित, प्रयागराज द्वारा निर्मित, राज कपूर अभिनीत, राज कपूर, रणधीर कपूर, रेखा, दारा सिंह, जगदीश राज, छायांकन तरुदत्त द्वारा संपादित, शंकर हरदे संगीत दिया है, राहुल देव बर्मन द्वारा वितरित, आरके फिल्म्स लिमिटेड यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 1975। कार्यकारी समय 159 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड शंकर गुंडा है, जो अपनी गर्भवती पत्नी कांता के साथ एक झोपड़ी में रहता है और एक अपराधी के रूप में जीवन यापन करता है। वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि यदि उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा उनके मार्ग पर ना चले, बल्कि एक सभ्य और ईमानदार इंसान के रूप में विकसित हो। उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और शंकर जी के नाम के एक और बदमाश के अवैध लाभ को लूटता है। एक उग्र जे के अपने बेटे के अपहरण के प्रयास में शंकर का शिकार करता है, लेकिन शंकर अपने बच्चे को ले जाता है और उसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ बदल देता है। मंच कलाकार अशोक कुमार शंकर जे के और उसके आदमियों के साथ हाथापाई करता है, उनमें से एक की हत्या कर देता है, गिरफ्तार हो जाता है, अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। कांता का निधन हो जाता है, जबकि धर्म एक पहलवान भीम सिंह और एक दाई गंगा की देखभाल में रह जाते हैं। धर्म को गुंडा बनना सिखाया जाता है, लेकिन वह गायक बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जबकि रंजीत ने खुद जेके के तहत शराब, जुआ और अपराध का जीवन अपनाया है। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को
खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है उसका, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें, तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है। जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है, धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें, तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है। जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है, धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें फेंकना। अशोक बोंगा बाबू कुमार के रूप में राज कपूर, राज रानी के रूप में कांत, रणधीर कपूर धर्म के रूप में रेखा, के रूप में बसंती, प्रेमनाथ के रूप में शंकर दादा, दादा सिंह, दारा सिंह, भीम सिंह के रूप में पिंचू कपूर, जेके के रूप में रंजीत, ए कुमार के रूप में नरेंद्र नाथ, गंगा के रूप में उर्मिला भट्ट, नीना के रूप में अलका, मास्टर सत्यजीत, यंग धर्म के रूप में बेबी पिंकी, यंग बसंती के रूप में युवा रंजीत, ए कुमार के रूप में मास्टर शैलेश, संगीत धर्म करम, साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आर डी वर्मन, मुक्त 1975, रिकॉर्डेड 1975, शैली गीत संगीत लंबाई 38-47, लेबल सारेगामा, निर्माता आर डी वर्मन, आर डी वर्मन कालक्रम शोले 1975, धर्म करम 1975, नहले पे दहला 1976। संगीत आर डी वर्मन द्वारा तैयार किया गया था और सारेगामा द्वारा जारी किया गया था। सभी ट्रैक मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 बात थी यार एक बैर की, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल हैप्पी, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। यह गाना लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तू कहाँ गई थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 4 तेरे हम सफ़र गीत हैं तेरे, इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 ना हो बस में तेरे, इस गाने को किशोर कुमार, मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 नचन नहीं आवत, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 7 मुख पे जो छिड़का पानी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 8 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल दुखद, इस गाने को मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको धर्म करम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक
सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। धर्म करम। धर्म करम राज कपूर द्वारा निर्मित और रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी ड्रामा फिल्म है, जो फिल्म में क्रमशः पिता और पुत्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। फिल्म में रेखा, प्रेमनाथ और दारा सिंह भी हैं। संगीत आर डी बर्मन का है और गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं, जिन्हें हिट गीत एक दिन बिक जाएगा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला। इस गाने को फिल्म के दौरान 4 बार बजाया गया है, जिसमें किशोर कुमार, मुकेश और सुषमा श्रेष्ठ ने पार्श्व गायक किया है। उन तीनों में से केवल मुकेश को एक मिला गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के रूप में फिल्म फेयर नामांकन। एक सूत्र के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से नीचे का प्रदर्शन किया। निर्देशक रणधीर कपूर द्वारा लिखित, प्रयागराज द्वारा निर्मित, राज कपूर अभिनीत, राज कपूर, रणधीर कपूर, रेखा, दारा सिंह, जगदीश राज, छायांकन तरुदत्त द्वारा संपादित, शंकर हरदे संगीत दिया है, राहुल देव बर्मन द्वारा वितरित, आरके फिल्म्स लिमिटेड, यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 1975 दिसंबर। कार्यकारी समय 159 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड शंकर गुंडा है, जो अपनी गर्भवती पत्नी कांता के साथ एक झोपड़ी में रहता है और एक अपराधी के रूप में जीवन यापन करता है। वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि यदि उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा उनके मार्ग पर ना चले बल्कि एक सभ्य और ईमानदार इंसान के रूप में विकसित हो। उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और शंकर जी के नाम के एक और बदमाश के अवैध लाभ को लूटता है। एक उग्र जेके अपने बेटे के अपहरण के प्रयास में शंकर का शिकार करता है, लेकिन शंकर अपने बच्चे को ले जाता है और उसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ बदल देता है। मंच कलाकार अशोक कुमार शंकर जेके और उसके आदमियों के साथ हाथापाई करता है, उनमें से एक की हत्या कर देता है, गिरफ्तार हो जाता है, अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। कांता का निधन हो जाता है, जबकि धर्म एक पहलवान भीम सिंह और एक दाई गंगा की देखभाल में रह जाते हैं। धर्म को गुंडा बनना सिखाया जाता है, लेकिन वह गायक बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जबकि रंजीत ने खुद जेके के तहत शराब, जुआ और अपराध का जीवन अपनाया है। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है।
वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है। जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है, धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है। जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है, धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें फेंकना। अशोक बोंगा बाबू कुमार के रूप में राज कपूर, राज रानी के रूप में कांत, रणधीर कपूर धर्म के रूप में, रेखा के रूप में बसंती, प्रेमनाथ के रूप में शंकर दादा, दादा सिंह दारा सिंह, भीम सिंह के रूप में पिंचू कपूर, जेके के रूप में रंजीत ए कुमार के रूप में नरेंद्र नाथ, गंगा के रूप में उर्मिला भट्ट, नीना के रूप में अलका, मास्टर सत्यजीत, यंग धर्म के रूप में बेबी पिंकी, यंग बसंती के रूप में युवा रंजीत ए कुमार के रूप में मास्टर शैलेश, संगीत धर्म करम साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आर डी वर्मन मुक्त 1975 रिकॉर्डेड 1975 शैली गीत संगीत लंबाई 38-47 लेबल सारेगामा निर्माता आर डी वर्मन आर डी वर्मन कालक्रम शोले 1975 धर्म करम 1975 नहले पे दहला 1976। संगीत आर डी वर्मन द्वारा तैयार किया गया था और सारेगामा द्वारा जारी किया गया था। सभी ट्रैक मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 बात थी यार एक बैर की, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल हैप्पी, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। यह गाना लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तू कहाँ गई थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 4 तेरे हम सफ़र गीत हैं तेरे, इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 ना हो बस में तेरे, इस गाने को किशोर कुमार, मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 नचन नहीं आवत, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 7 मुख पे जो छिड़का पानी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 8 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल दुखद, इस गाने को मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको धर्म करम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। धर्म करम, धर्म करम राज कपूर द्वारा निर्मित और रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी ड्रामा फिल्म है, जो फिल्में क्रमशः
पिता और पुत्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। फिल्म में रेखा प्रेमनाथ और दारा सिंह भी हैं। संगीत आर डी बर्मन का है और गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं, जिन्हें हिट गीत एक दिन बिक जाएगा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला। इस गाने को फिल्म के दौरान 4 बार बजाया गया है, जिसमें किशोर कुमार, मुकेश और सुषमा श्रेष्ठ ने पार्श्व गायक किया है। उन तीनों में से केवल मुकेश को एक मिला गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के रूप में फिल्म फेयर नामांकन। एक सूत्र के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से नीचे का प्रदर्शन किया। निर्देशक रणधीर कपूर द्वारा लिखित, प्रयागराज द्वारा निर्मित, राज कपूर अभिनीत, राज कपूर रणधीर कपूर, रेखा दारा सिंह जगदीश राज, छायांकन तरुदत्त द्वारा संपादित, शंकर हरदे संगीत दिया है, राहुल देव बर्मन द्वारा वितरित, आर के फिल्म्स लिमिटेड यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 1975, कार्यकारी समय 159 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड शंकर गुंडा है जो अपनी गर्भवती पत्नी कांता के साथ एक झोपड़ी में रहता है और एक अपराधी के रूप में जीवन यापन करता है। वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि यदि उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा उनके मार्ग पर ना चले बल्कि एक सभ्य और ईमानदार इंसान के रूप में विकसित हो। उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और शंकर जी के नाम के एक और बदमाश के अवैध लाभ को लूटता है। एक उग्र जे के अपने बेटे के अपहरण के प्रयास में शंकर का शिकार करता है, लेकिन शंकर अपने बच्चे को ले जाता है और उसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ बदल देता है। मंच कलाकार अशोक कुमार शंकर जे के और उसके आदमियों के साथ हाथापाई करता है, उनमें से एक की हत्या कर देता है, गिरफ्तार हो जाता है, अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। कांता का निधन हो जाता है, जबकि धर्म एक पहलवान भीम सिंह और एक दाई गंगा की देखभाल में रह जाते हैं। धर्म को गुंडा बनना सिखाया जाता है, लेकिन वह गायक बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जबकि रंजीत ने खुद जेके के तहत शराब जुआ और अपराध का जीवन अपनाया है। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जे के शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जे के शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जे के शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत
अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेकी शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है। जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जे के शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें फेंकना। अशोक बोंगा बाबू कुमार के रूप में राज कपूर, राज रानी के रूप में कांत, रणधीर कपूर धर्म के रूप में रेखा, के रूप में बसंती, प्रेमनाथ के रूप में शंकर दादा, दादा सिंह, दारा सिंह, भीम सिंह के रूप में पिंचू कपूर, जेके के रूप में रंजीत, ए कुमार के रूप में नरेंद्र नाथ, गंगा के रूप में उर्मिला भट्ट, नीना के रूप में अलका, मास्टर सत्यजीत, यंग धर्म के रूप में बेबी पिंकी, यंग बसंती के रूप में युवा रंजीत, ए कुमार के रूप में मास्टर शैलेश, संगीत धर्म करम, साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आडी वर्मन मुक्त 1975, रिकॉर्डेड 1975, शैली गीत संगीत लंबाई 38-47, लेबल सारेगामा, निर्माता आडी वर्मन, आडी वर्मन कालक्रम शोले 1975, धर्म करम 1975, नहले पे दहला 1976। संगीत आर डी वर्मन द्वारा तैयार किया गया था और सारेगामा द्वारा जारी किया गया था। सभी ट्रैक मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 बात थी यार एक बैर की, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल हैप्पी, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। यह गाना लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तू कहाँ गई थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 4 तेरे हम सफ़र गीत हैं तेरे, इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 ना हो बस में तेरे, इस गाने को किशोर कुमार, मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 नचन नहीं आवत, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 7 मुख पे जो छिड़का पानी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 8 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल दुखद, इस गाने को मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको धर्म करम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। धर्म करम, धर्म करम राज कपूर द्वारा निर्मित और रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी ड्रामा फिल्म है, जो फिल्म में क्रमशः पिता और पुत्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। फिल्म में रेखा, प्रेमनाथ और दारा सिंह भी हैं। संगीत आर डी बर्मन का है और गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं, जिन्हें हिट गीत एक दिन बिक जाएगा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला। इस गाने को फिल्म के दौरान 4 बार बजाया गया है, जिसमें किशोर कुमार, मुकेश और सुषमा श्रेष्ठ ने पार्श्व गायक किया है।
उन तीनों में से केवल मुकेश को एक मिला गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में फिल्मफेयर नामांकन। एक सूत्र के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से नीचे का प्रदर्शन किया। निर्देशक रणधीर कपूर द्वारा लिखित, प्रयागराज द्वारा निर्मित, राज कपूर अभिनीत, राज कपूर, रणधीर कपूर, रेखा, दारा सिंह, जगदीश राज, छायांकन तरुदत्त द्वारा संपादित, शंकर हरदे संगीत दिया है, राहुल देव बर्मन द्वारा वितरित, आरके फिल्म्स लिमिटेड यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख दिसंबर 1975। कार्यकारी समय 159 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड शंकर गुंडा है जो अपनी गर्भवती पत्नी कांता के साथ एक झोपड़ी में रहता है और एक अपराधी के रूप में जीवन यापन करता है। वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि यदि उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा उनके मार्ग पर ना चले बल्कि एक सभ्य और ईमानदार इंसान के रूप में विकसित हो। उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और शंकर जी के नाम के एक और बदमाश के अवैध लाभ को लूटता है। एक उग्र जे के अपने बेटे के अपहरण के प्रयास में शंकर का शिकार करता है, लेकिन शंकर अपने बच्चे को ले जाता है और उसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ बदल देता है। मंच कलाकार अशोक कुमार शंकर जे के और उसके आदमियों के साथ हाथापाई करता है, उनमें से एक की हत्या कर देता है, गिरफ्तार हो जाता है, अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। कांता का निधन हो जाता है, जबकि धर्म एक पहलवान भीम सिंह और एक दाई गंगा की देखभाल में रह जाते हैं। धर्म को गुंडा बनना सिखाया जाता है, लेकिन वह गायक बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जबकि रंजीत ने खुद जेके के तहत शराब जुआ और अपराध का जीवन अपनाया है। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जे के शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है,
जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्श कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जे के शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें फेंकना। अशोक बोंगा बाबू कुमार के रूप में राज कपूर, राज रानी के रूप में कांत, रणधीर कपूर धर्म के रूप में, रेखा के रूप में बसंती, प्रेमनाथ के रूप में शंकर दादा, दादा सिंह, दारा सिंह, भीम सिंह के रूप में पिंचू कपूर, जेके के रूप में रंजीत, ए कुमार के रूप में नरेंद्र नाथ, गंगा के रूप में उर्मिला भट्ट, नीना के रूप में अलका, मास्टर सत्यजीत, यंग धर्म के रूप में बेबी पिंकी, यंग बसंती के रूप में युवा रंजीत, ए कुमार के रूप में मास्टर शैलेश, संगीत धर्म करम, साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आडी वर्मन, मुक्त 1975, रिकॉर्डेड 1975, शैली गीत संगीत लंबाई 38-47, लेबल सारेगामा, निर्माता आडी वर्मन, आडी वर्मन कालक्रम शोले 1975, धर्म करम 1975, नहले पे दहला 1976। संगीत आर डी बर्मन द्वारा तैयार किया गया था और सारेगामा द्वारा जारी किया गया था। सभी ट्रैक मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक बात थी यार एक बैर की, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर दो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल हैप्पी, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। यह गाना लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर तीन तू कहाँ गई थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर चार तेरे हम सफ़र गीत हैं तेरे, इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच ना हो बस में तेरे, इस गाने को किशोर कुमार, मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः नचन नहीं आवत, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर सात मुख पे जो छिड़का पानी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर आठ एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल दुखद, इस गाने को मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको धर्म करम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। धर्म करम, धर्म करम राज कपूर द्वारा निर्मित और रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी ड्रामा फिल्म है, जो फिल्म में क्रमशः पिता और पुत्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। फिल्म में रेखा, प्रेमनाथ और दारा सिंह भी हैं। संगीत आर डी बर्मन का है और गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं, जिन्हें हिट गीत एक दिन बिक जाएगा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला। इस गाने को फिल्म के दौरान चार बार बजाया गया है, जिसमें किशोर कुमार, मुकेश और सुषमा श्रेष्ठ ने पार्श्व गायक किया है। उन तीनों में से केवल मुकेश को एक मिला गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में फिल्म फेयर नामांकन। एक सूत्र के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से नीचे का प्रदर्शन किया। निर्देशक रणधीर कपूर द्वारा लिखित, प्रयागराज द्वारा निर्मित, राज कपूर अभिनीत, राज कपूर, रणधीर कपूर, रेखा, दारा सिंह, जगदीश राज छायांकन, दरु तरुदत्त
द्वारा संपादित शंकर हरदे संगीत दिया है राहुल देव बर्मन द्वारा वितरित आरके फिल्म्स लिमिटेड यशराज फिल्म्स रिलीज की तारीख दिसंबर 1975 कार्यकारी समय 159 मिनट देश भारत भाषा हिंदी भूखंड शंकर गुंडा है जो अपनी गर्भवती पत्नी कांता के साथ एक झोपड़ी में रहता है और एक अपराधी के रूप में जीवन यापन करता है। वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि यदि उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा उनके मार्ग पर ना चले बल्कि एक सभ्य और ईमानदार इंसान के रूप में विकसित हो। उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और शंकर जी के नाम के एक और बदमाश के अवैध लाभ को लूटता है। एक उग्र जे के अपने बेटे के अपहरण के प्रयास में शंकर का शिकार करता है लेकिन शंकर अपने बच्चे को ले जाता है और उसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ बदल देता है। मंच कलाकार अशोक कुमार शंकर जे के और उसके आदमियों के साथ हाथापाई करता है, उनमें से एक की हत्या कर देता है, गिरफ्तार हो जाता है, अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। कांता का निधन हो जाता है जबकि धर्म एक पहलवान भीम सिंह और एक दाई गंगा की देखभाल में रह जाते हैं। धर्म को गुंडा बनना सिखाया जाता है लेकिन वह गायक बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है जबकि रंजीत ने खुद जेके के तहत शराब जुआ और अपराध का जीवन अपनाया है। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है उसका जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें
फेंकना, अशोक बोंगा बाबू कुमार के रूप में राज कपूर, राज रानी के रूप में कांत, रणधीर कपूर धर्म के रूप में, रेखा के रूप में बसंती, प्रेमनाथ के रूप में शंकर दादा, दादा सिंह, दारा सिंह, भीम सिंह के रूप में पिंचू कपूर, जेके के रूप में रंजीत ए कुमार के रूप में नरेंद्र नाथ, गंगा के रूप में उर्मिला भट्ट, नीना के रूप में अलका, मास्टर सत्यजीत, यंग धर्म के रूप में बेबी पिंकी, यंग बसंती के रूप में युवा रंजीत ए कुमार के रूप में मास्टर शैलेश। संगीत धर्म करम साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आर डी बर्मन, मुक्त 1975, रिकॉर्डेड 1975, शैली गीत संगीत लंबाई 38-47, लेबल सारेगामा, निर्माता आर डी बर्मन, आर डी बर्मन कालक्रम शोले 1975, धर्म करम 1975, नहले पे दहला 1976। संगीत आर डी बर्मन द्वारा तैयार किया गया था और सारेगामा द्वारा जारी किया गया था। सभी ट्रैक मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 बात थी यार एक बैर की, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल हैप्पी, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। यह गाना लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तू कहाँ गई थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 4 तेरे हम सफ़र गीत हैं तेरे, इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 ना हो बस में तेरे, इस गाने को किशोर कुमार, मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 नचन नहीं आवत, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 7 मुख पे जो छिड़का पानी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 8 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल दुखद, इस गाने को मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको धर्म करम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। धर्म करम, धर्म करम राज कपूर द्वारा निर्मित और रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी ड्रामा फिल्म है, जो फिल्म में क्रमशः पिता और पुत्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। फिल्म में रेखा, प्रेमनाथ और दारा सिंह भी हैं। संगीत आर डी बर्मन का है और गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं, जिन्हें हिट गीत एक दिन बिक जाएगा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला। इस गाने को फिल्म के दौरान 4 बार बजाया गया है, जिसमें किशोर कुमार, मुकेश और सुषमा श्रेष्ठ ने पार्श्व गायक किया है। उन तीनों में से केवल मुकेश को एक मिला गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के रूप में फिल्म फेयर नामांकन। एक सूत्र के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से नीचे का प्रदर्शन किया। निर्देशक रणधीर कपूर द्वारा लिखित, प्रयागराज द्वारा निर्मित, राज कपूर अभिनीत, राज कपूर रणधीर कपूर, रेखा दारा सिंह, जगदीश राज छायांकन, तरुदत्त द्वारा संपादित, शंकर हरदे संगीत दिया है, राहुल देव बर्मन द्वारा वितरित, आर के फिल्म्स लिमिटेड यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 1975, कार्यकारी समय 159 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड शंकर गुंडा है जो अपनी गर्भवती पत्नी कांता के साथ एक झोपड़ी में रहता है
और एक अपराधी के रूप में जीवन यापन करता है। वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि यदि उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा उनके मार्ग पर ना चले बल्कि एक सभ्य और ईमानदार इंसान के रूप में विकसित हो। उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और शंकर जी के नाम के एक और बदमाश के अवैध लाभ को लूटता है। एक उग्र जेके अपने बेटे के अपहरण के प्रयास में शंकर का शिकार करता है, लेकिन शंकर अपने बच्चे को ले जाता है और उसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ बदल देता है। मंच कलाकार अशोक कुमार शंकर जेके और उसके आदमियों के साथ हाथापाई करता है, उनमें से एक की हत्या कर देता है, गिरफ्तार हो जाता है, अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। कांता का निधन हो जाता है, जबकि धर्म एक पहलवान भीम सिंह और एक दाई गंगा की देखभाल में रह जाते हैं। धर्म को गुंडा बनना सिखाया जाता है, लेकिन वह गायक बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जबकि रंजीत ने खुद जेके के तहत शराब जुआ और अपराध का जीवन अपनाया है। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है उसका, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें। फेंकना अशोक बोंगा बाबू कुमार के रूप में राज कपूर, राज रानी के रूप में कांत, रणधीर कपूर धर्म के रूप में रेखा के रूप में बसंती, प्रेमनाथ के रूप में शंकर दादा, दादा सिंह दारा सिंह भीम सिंह के रूप में पिंचू कपूर, जेके के रूप में रंजीत ए कुमार के रूप में नरेंद्र नाथ, गंगा के रूप में उर्मिला भट्ट, नीना के रूप में अलका, मास्टर सत्यजीत, यंग धर्म के रूप में
बेबी पिंकी, यंग वसंती के रूप में, युवा रंजीत ए कुमार के रूप में, मास्टर शैलेश, संगीत धर्म करम, साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आर डी बर्मन, मुक्त 1975, रिकॉर्डेड 1975, शैली गीत संगीत लंबाई 38-47, लेबल सारेगामा, निर्माता आर डी बर्मन, आर डी बर्मन कालक्रम शोले 1975, धर्म करम 1975, नहले पे दहला 1976। संगीत आर डी बर्मन द्वारा तैयार किया गया था और सारेगामा द्वारा जारी किया गया था। सभी ट्रैक मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 बात थी यार एक बैर की, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल हैप्पी, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। यह गाना लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तू कहाँ गई थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 4 तेरे हम सफ़र गीत हैं तेरे, इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 ना हो बस में तेरे, इस गाने को किशोर कुमार, मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 नचन नहीं आवत, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 7 मुख पे जो छिड़का पानी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 8 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल दुखद, इस गाने को मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको धर्म करम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। धर्म करम राज कपूर द्वारा निर्मित और रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी ड्रामा फिल्म है, जो फिल्म में क्रमशः पिता और पुत्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। फिल्म में रेखा, प्रेमनाथ और दारा सिंह भी हैं। संगीत आर डी बर्मन का है और गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं, जिन्हें हिट गीत एक दिन बिक जाएगा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला। इस गाने को फिल्म के दौरान 4 बार बजाया गया है, जिसमें किशोर कुमार, मुकेश और सुषमा श्रेष्ठ ने पार्श्व गायक किया है। उन तीनों में से केवल मुकेश को एक मिला गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के रूप में फिल्म फेयर नामांकन। एक सूत्र के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से नीचे का प्रदर्शन किया। निर्देशक रणधीर कपूर द्वारा लिखित, प्रयागराज द्वारा निर्मित, राज कपूर अभिनीत, राज कपूर, रणधीर कपूर, रेखा, दारा सिंह, जगदीश राज छायांकन, तरुदत्त द्वारा संपादित, शंकर हरदे संगीत दिया है, राहुल देव बर्मन द्वारा वितरित, आर के फिल्म्स लिमिटेड, यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख दिसंबर 1975, कार्यकारी समय 159 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड शंकर गुंडा है जो अपनी गर्भवती पत्नी कांता के साथ एक झोपड़ी में रहता है और एक अपराधी के रूप में जीवन यापन करता है। वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि यदि उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा उनके मार्ग पर ना चले बल्कि एक सभ्य और ईमानदार इंसान के रूप में विकसित हो। उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और शंकर जी के नाम के एक और बदमाश के अवैध लाभ को लूटता है। एक उग्र जे के
अपने बेटे के अपहरण के प्रयास में शंकर का शिकार करता है, लेकिन शंकर अपने बच्चे को ले जाता है और उसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ बदल देता है। मंच कलाकार अशोक कुमार शंकर जे के और उसके आदमियों के साथ हाथापाई करता है, उनमें से एक की हत्या कर देता है, गिरफ्तार हो जाता है, अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। कांता का निधन हो जाता है, जबकि धर्म एक पहलवान भीम सिंह और एक दाई गंगा की देखभाल में रह जाते हैं। धर्म को गुंडा बनना सिखाया जाता है, लेकिन वह गायक बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जबकि रंजीत ने खुद जेके के तहत शराब जुआ और अपराध का जीवन अपनाया है। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है, तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है, तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है, तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है, तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है, तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें। फेंकना अशोक बोंगा बाबू कुमार के रूप में राज कपूर, राज रानी के रूप में कांत, रणधीर कपूर धर्म के रूप में रेखा के रूप में बसंती, प्रेमनाथ के रूप में शंकर दादा, दादा सिंह दारा सिंह, भीम सिंह के रूप में पिंचू कपूर, जेके के रूप में रंजीत ए कुमार के रूप में नरेंद्र नाथ, गंगा के रूप में उर्मिला भट्ट, नीना के रूप में अलका, मास्टर सत्यजीत, यंग धर्म के रूप में बेबी पिंकी, यंग बसंती के रूप में युवा रंजीत ए कुमार के रूप में मास्टर शैलेश, संगीत धर्म करम साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आडी वर्मन मुक्त 1975 रिकॉर्डेड 1975 शैली गीत संगीत लंबाई 38-47 लेबल सारेगामा निर्माता आडी वर्मन आडी वर्मन कालक्रम शोले 1975 धर्म करम 1975 नहले पे दहला 1976।
संगीत आर डी बर्मन द्वारा तैयार किया गया था और सारे गामा द्वारा जारी किया गया था। सभी ट्रैक मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक बात थी यार एक बैर की, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर दो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल हैप्पी, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। यह गाना लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर तीन तू कहाँ गई थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर चार तेरे हम सफ़र गीत हैं तेरे, इस गाने के गायकार किशोर कुमार मुकेश और आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच ना हो बस में तेरे, इस गाने को किशोर कुमार मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः नचन नहीं आवत, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर सात मुख पे जो छिड़का पानी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर आठ एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल दुखद, इस गाने को मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको धर्म करम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। धर्म करम, धर्म करम राज कपूर द्वारा निर्मित और रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी ड्रामा फिल्म है, जो फिल्म में क्रमशः पिता और पुत्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। फिल्म में रेखा प्रेमनाथ और दारा सिंह भी हैं। संगीत आर डी बर्मन का है और गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं, जिन्हें हिट गीत एक दिन बिक जाएगा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला। इस गाने को फिल्म के दौरान चार बार बजाया गया है, जिसमें किशोर कुमार मुकेश और सुषमा श्रेष्ठ ने पार्श्व गायक किया है। उन तीनों में से केवल मुकेश को एक मिला गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के रूप में फिल्म फेयर नामांकन। एक सूत्र के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से नीचे का प्रदर्शन किया। निर्देशक रणधीर कपूर द्वारा लिखित, प्रयागराज द्वारा निर्मित, राज कपूर अभिनीत, राज कपूर रणधीर कपूर, रेखा दारा सिंह जगदीश राज, छायांकन तरुदत्त द्वारा संपादित, शंकर हरदे संगीत दिया है, राहुल देव बर्मन द्वारा वितरित, आर के फिल्म्स लिमिटेड यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख दिसंबर 1975, कार्यकारी समय 159 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड शंकर गुंडा है जो अपनी गर्भवती पत्नी कांता के साथ एक झोपड़ी में रहता है और एक अपराधी के रूप में जीवन यापन करता है। वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि यदि उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा उनके मार्ग पर ना चले बल्कि एक सभ्य और ईमानदार इंसान के रूप में विकसित हो। उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और शंकर जी के नाम के एक और बदमाश के अवैध लाभ को लूटता है। एक उग्र जे के अपने बेटे के अपहरण के प्रयास में शंकर का शिकार करता है, लेकिन शंकर अपने बच्चे को ले जाता है और उसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ बदल देता है। मंच कलाकार अशोक कुमार शंकर जे के और उसके आदमियों के साथ हाथापाई करता है, उनमें से एक की हत्या कर देता है, गिरफ्तार हो जाता है, अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। कांता का निधन हो जाता है,
जबकि धर्म एक पहलवान भीम सिंह और एक दाई गंगा की देखभाल में रह जाते हैं। धर्म को गुंडा बनना सिखाया जाता है, लेकिन वह गायक बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जबकि रंजीत ने खुद जेके के तहत शराब जुआ और अपराध का जीवन अपनाया है। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है, तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है, तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है, तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है, तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है, तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें। फेंकना अशोक बोंगा बाबू कुमार के रूप में राज कपूर, राज रानी के रूप में कांत, रणधीर कपूर धर्म के रूप में रेखा के रूप में बसंती, प्रेमनाथ के रूप में शंकर दादा, दादा सिंह दारा सिंह, भीम सिंह के रूप में पिंचू कपूर, जेके के रूप में रंजीत ए कुमार के रूप में नरेंद्र नाथ, गंगा के रूप में उर्मिला भट्ट, नीना के रूप में अलका, मास्टर सत्यजीत, यंग धर्म के रूप में बेबी पिंकी, यंग बसंती के रूप में युवा रंजीत ए कुमार के रूप में मास्टर शैलेश। संगीत धर्म करम साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आडी वर्मन मुक्त 1975, रिकॉर्डेड 1975, शैली गीत संगीत लंबाई 38-47, लेबल सारेगामा, निर्माता आडी वर्मन, आडी वर्मन कालक्रम शोले 1975, धर्म करम 1975, नहले पे दहला 1976। संगीत आर डी वर्मन द्वारा तैयार किया गया था और सारे गामा द्वारा जारी किया गया था। सभी ट्रैक मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 बात थी यार एक बैर की, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 एक दिन बिक जाएगा,
माटी के मोल हैप्पी इस गाने के गायकार मुकेश हैं। यह गाना लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तू कहाँ गई थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 4 तेरे हम सफ़र गीत हैं तेरे, इस गाने के गायकार किशोर कुमार मुकेश और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 ना हो बस में तेरे, इस गाने को किशोर कुमार मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 नचन नहीं आवत, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 7 मुख पे जो छिड़का पानी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 8 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल दुखद, इस गाने को मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको धर्म करम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। धर्म करम, धर्म करम राज कपूर द्वारा निर्मित और रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी ड्रामा फिल्म है, जो फिल्म में क्रमशः पिता और पुत्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। फिल्म में रेखा, प्रेमनाथ और दारा सिंह भी हैं। संगीत आर डी बर्मन का है और गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं, जिन्हें हिट गीत एक दिन बिक जाएगा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला। इस गाने को फिल्म के दौरान 4 बार बजाया गया है, जिसमें किशोर कुमार मुकेश और सुषमा श्रेष्ठ ने पार्श्व गायक किया है। उन तीनों में से केवल मुकेश को एक मिला गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के रूप में फिल्म फेयर नामांकन। एक सूत्र के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से नीचे का प्रदर्शन किया। निर्देशक रणधीर कपूर द्वारा लिखित, प्रयागराज द्वारा निर्मित, राज कपूर अभिनीत, राज कपूर रणधीर कपूर, रेखा दारा सिंह जगदीश राज, छायांकन तरुदत्त द्वारा संपादित, शंकर हरदे संगीत दिया है, राहुल देव बर्मन द्वारा वितरित, आर के फिल्म्स लिमिटेड यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 1975, कार्यकारी समय 159 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड शंकर गुंडा है जो अपनी गर्भवती पत्नी कांता के साथ एक झोपड़ी में रहता है और एक अपराधी के रूप में जीवन यापन करता है। वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि यदि उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा उनके मार्ग पर ना चले बल्कि एक सभ्य और ईमानदार इंसान के रूप में विकसित हो। उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और शंकर जी के नाम के एक और बदमाश के अवैध लाभ को लूटता है। एक उग्र जे के अपने बेटे के अपहरण के प्रयास में शंकर का शिकार करता है, लेकिन शंकर अपने बच्चे को ले जाता है और उसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ बदल देता है। मंच कलाकार अशोक कुमार शंकर जे के और उसके आदमियों के साथ हाथापाई करता है, उनमें से एक की हत्या कर देता है, गिरफ्तार हो जाता है, अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। कांता का निधन हो जाता है, जबकि धर्म एक पहलवान भीम सिंह और एक दाई गंगा की देखभाल में रह जाते हैं। धर्म को गुंडा बनना सिखाया जाता है, लेकिन वह गायक बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जबकि रंजीत ने खुद जेके के तहत शराब जुआ और अपराध का जीवन अपनाया है। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है।
जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं, तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है। जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं, तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है। जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है उसका जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें, तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है। जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें, तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है। जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें फेंकना। अशोक बोंगा बाबू कुमार के रूप में राज कपूर, राज रानी के रूप में कांत, रणधीर कपूर धर्म के रूप में रेखा, के रूप में बसंती, प्रेमनाथ के रूप में शंकर दादा, दादा सिंह, दारा सिंह, भीम सिंह के रूप में पिंचू कपूर, जेके के रूप में रंजीत ए कुमार, के रूप में नरेंद्र नाथ, गंगा के रूप में उर्मिला भट्ट, नीना के रूप में अलका, मास्टर सत्यजीत, यंग धर्म के रूप में बेबी पिंकी, यंग बसंती के रूप में युवा रंजीत ए कुमार, के रूप में मास्टर शैलेश, संगीत धर्म करम साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आडी वर्मन मुक्त 1975, रिकॉर्डेड 1975, शैली गीत संगीत लंबाई 38-47, लेबल सारेगामा, निर्माता आडी वर्मन, आडी वर्मन कालक्रम शोले 1975, धर्म करम 1975, नहले पे दहला 1976। संगीत आर डी बर्मन द्वारा तैयार किया गया था और सारेगामा द्वारा जारी किया गया था। सभी ट्रैक मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 बात थी यार एक बैर की, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल हैप्पी, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। यह गाना लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तू कहाँ गई थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 4 तेरे हम सफ़र गीत हैं तेरे, इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 ना हो बस में तेरे, इस गाने को किशोर कुमार, मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6
नचन नहीं आवत। इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 7 मुख पे जो छिड़का पानी। इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 8 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल दुखद। इस गाने को मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको धर्म करम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। धर्म करम। धर्म करम राज कपूर द्वारा निर्मित और रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी ड्रामा फिल्म है, जो फिल्म में क्रमशः पिता और पुत्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। फिल्म में रेखा, प्रेमनाथ और दारा सिंह भी हैं। संगीत आर डी बर्मन का है और गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं, जिन्हें हिट गीत एक दिन बिक जाएगा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला। इस गाने को फिल्म के दौरान 4 बार बजाया गया है, जिसमें किशोर कुमार, मुकेश और सुषमा श्रेष्ठ ने पार्श्व गायक किया है। उन तीनों में से केवल मुकेश को एक मिला गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के रूप में फिल्म फेयर नामांकन। एक सूत्र के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से नीचे का प्रदर्शन किया। निर्देशक रणधीर कपूर द्वारा लिखित, प्रयागराज द्वारा निर्मित, राज कपूर अभिनीत, राज कपूर, रणधीर कपूर, रेखा, दारा सिंह, जगदीश राज, छायांकन तरुदत्त द्वारा संपादित, शंकर हरदे संगीत दिया है, राहुल देव बर्मन द्वारा वितरित, आर के फिल्म्स लिमिटेड यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 1975। कार्यकारी समय 159 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड शंकर गुंडा है, जो अपनी गर्भवती पत्नी कांता के साथ एक झोपड़ी में रहता है और एक अपराधी के रूप में जीवन यापन करता है। वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि यदि उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा उनके मार्ग पर ना चले बल्कि एक सभ्य और ईमानदार इंसान के रूप में विकसित हो। उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और शंकर जी के नाम के एक और बदमाश के अवैध लाभ को लूटता है। एक उग्र जे के अपने बेटे के अपहरण के प्रयास में शंकर का शिकार करता है, लेकिन शंकर अपने बच्चे को ले जाता है और उसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ बदल देता है। मंच कलाकार अशोक कुमार शंकर जे के और उसके आदमियों के साथ हाथापाई करता है, उनमें से एक की हत्या कर देता है, गिरफ्तार हो जाता है, अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। कांता का निधन हो जाता है, जबकि धर्म एक पहलवान भीम सिंह और एक दाई गंगा की देखभाल में रह जाते हैं। धर्म को गुंडा बनना सिखाया जाता है, लेकिन वह गायक बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जबकि रंजीत ने खुद जेके के तहत शराब, जुआ और अपराध का जीवन अपनाया है। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें
और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है उसका जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें फेंकना। अशोक बोंगा बाबू कुमार के रूप में राज कपूर, राज रानी के रूप में कांत, रणधीर कपूर धर्म के रूप में रेखा, के रूप में बसंती, प्रेमनाथ के रूप में शंकर दादा, दादा सिंह, दारा सिंह, भीम सिंह के रूप में पिंचू कपूर, जेके के रूप में रंजीत ए कुमार, के रूप में नरेंद्र नाथ, गंगा के रूप में उर्मिला भट्ट, नीना के रूप में अलका, मास्टर सत्यजीत, यंग धर्म के रूप में बेबी पिंकी, यंग बसंती के रूप में युवा रंजीत ए कुमार, के रूप में मास्टर शैलेश। संगीत धर्म करम साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आर डी वर्मन, मुक्त 1975, रिकॉर्डेड 1975। शैली गीत संगीत लंबाई 38-47। लेबल सारेगामा। निर्माता आर डी वर्मन, आर डी वर्मन। कालक्रम शोले 1975, धर्म करम 1975, नहले पे दहला 1976। संगीत आर डी वर्मन द्वारा तैयार किया गया था और सारेगामा द्वारा जारी किया गया था। सभी ट्रैक मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 बात थी यार एक बैर की, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल हैप्पी, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। यह गाना लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तू कहाँ गई थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 4 तेरे हम सफ़र गीत हैं तेरे, इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 ना हो बस में तेरे, इस गाने को किशोर कुमार, मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 नचन नहीं आवत, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 7 मुख पे जो छिड़का पानी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 8 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल दुखद, इस गाने को मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है।
दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको धर्म करम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। धर्म करम। धर्म करम राज कपूर द्वारा निर्मित और रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी ड्रामा फिल्म है, जो फिल्म में क्रमशः पिता और पुत्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। फिल्म में रेखा, प्रेमनाथ और दारा सिंह भी हैं। संगीत आर डी बर्मन का है और गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं, जिन्हें हिट गीत एक दिन बिक जाएगा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला। इस गाने को फिल्म के दौरान 4 बार बजाया गया है, जिसमें किशोर कुमार, मुकेश और सुषमा श्रेष्ठ ने पार्श्व गायक किया है। उन तीनों में से केवल मुकेश को एक मिला गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के रूप में फिल्म फेयर नामांकन। एक सूत्र के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से नीचे का प्रदर्शन किया। निर्देशक रणधीर कपूर द्वारा लिखित, प्रयागराज द्वारा निर्मित, राज कपूर अभिनीत, राज कपूर, रणधीर कपूर, रेखा, दारा सिंह, जगदीश राज छायांकन, तरुदत्त द्वारा संपादित, शंकर हरदे संगीत दिया है, राहुल देव बर्मन द्वारा वितरित, आर के फिल्म्स लिमिटेड यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 1975। कार्यकारी समय 159 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड शंकर गुंडा है, जो अपनी गर्भवती पत्नी कांता के साथ एक झोपड़ी में रहता है और एक अपराधी के रूप में जीवन यापन करता है। वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि यदि उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा उनके मार्ग पर ना चले बल्कि एक सभ्य और ईमानदार इंसान के रूप में विकसित हो। उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और शंकर जी के नाम के एक और बदमाश के अवैध लाभ को लूटता है। एक उग्र जे के अपने बेटे के अपहरण के प्रयास में शंकर का शिकार करता है, लेकिन शंकर अपने बच्चे को ले जाता है और उसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ बदल देता है। मंच कलाकार अशोक कुमार शंकर जे के और उसके आदमियों के साथ हाथापाई करता है, उनमें से एक की हत्या कर देता है, गिरफ्तार हो जाता है, अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। कांता का निधन हो जाता है, जबकि धर्म एक पहलवान भीम सिंह और एक दाई गंगा की देखभाल में रह जाते हैं। धर्म को गुंडा बनना सिखाया जाता है, लेकिन वह गायक बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जबकि रंजीत ने खुद जेके के तहत शराब, जुआ और अपराध का जीवन अपनाया है। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है।
धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्श कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है उसका, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें। फेंकना, अशोक बोंगा बाबू कुमार के रूप में राज कपूर, राज रानी के रूप में कांत, रणधीर कपूर धर्म के रूप में रेखा, के रूप में बसंती, प्रेमनाथ के रूप में शंकर दादा, दादा सिंह, दारा सिंह, भीम सिंह के रूप में पिंचू कपूर, जेके के रूप में रंजीत ए कुमार, के रूप में नरेंद्र नाथ, गंगा के रूप में उर्मिला भट्ट, नीना के रूप में अलका, मास्टर सत्यजीत, यंग धर्म के रूप में बेबी पिंकी, यंग बसंती के रूप में युवा रंजीत ए कुमार, के रूप में मास्टर शैलेश। संगीत, धर्म करम साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आडी वर्मन मुक्त 1975, रिकॉर्डेड 1975। शैली, गीत संगीत लंबाई 38-47। लेबल सारेगामा। निर्माता आडी वर्मन, आडी वर्मन कालक्रम शोले 1975, धर्म करम 1975, नहले पे दहला 1976। संगीत आर डी वर्मन द्वारा तैयार किया गया था और सारेगामा द्वारा जारी किया गया था। सभी ट्रैक मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 बात थी यार एक बैर की, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल हैप्पी, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। यह गाना लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तू कहाँ गई थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 4 तेरे हम सफ़र गीत हैं तेरे, इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 ना हो बस में तेरे, इस गाने को किशोर कुमार, मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 नचन नहीं आवत, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 7 मुख पे जो छिड़का पानी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 8 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल दुखद, इस गाने को मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको धर्म करम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। धर्म करम राज कपूर द्वारा निर्मित और रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी ड्रामा फिल्म है, जो फिल्म में क्रमशः पिता और पुत्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। फिल्म में रेखा, प्रेमनाथ और दारा सिंह भी हैं। संगीत आर डी बर्मन का है और गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं, जिन्हें हिट गीत एक दिन बिक जाएगा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला। इस गाने को फिल्म के दौरान 4 बार बजाया गया है, जिसमें किशोर कुमार, मुकेश और सुषमा श्रेष्ठ ने पार्श्व गायक किया है। उन तीनों में से केवल मुकेश को एक मिला गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के रूप में फिल्म फेयर नामांकन। एक सूत्र के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से नीचे का प्रदर्शन किया। निर्देशक रणधीर कपूर द्वारा लिखित, प्रयागराज द्वारा निर्मित, राज कपूर अभिनीत, राज कपूर, रणधीर कपूर, रेखा, दारा सिंह, जगदीश राज छायांकन, तरुदत्त द्वारा संपादित, शंकर हरदे संगीत दिया है, राहुल देव बर्मन द्वारा वितरित, आरके फिल्म्स लिमिटेड, यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 1975, कार्यकारी समय 159 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड शंकर गुंडा है जो अपनी गर्भवती पत्नी कांता के साथ एक झोपड़ी में रहता है और एक अपराधी के रूप में जीवन यापन करता है। वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि यदि उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा उनके मार्ग पर ना चले बल्कि एक सभ्य और ईमानदार इंसान के रूप में विकसित हो। उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और शंकर जी के नाम के एक और बदमाश के अवैध लाभ को लूटता है। एक उग्र जे के अपने बेटे के अपहरण के प्रयास में शंकर का शिकार करता है, लेकिन शंकर अपने बच्चे को ले जाता है और उसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ बदल देता है। मंच कलाकार अशोक कुमार शंकर जे के और उसके आदमियों के साथ हाथापाई करता है, उनमें से एक की हत्या कर देता है, गिरफ्तार हो जाता है, अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। कांता का निधन हो जाता है, जबकि धर्म एक पहलवान भीम सिंह और एक दाई गंगा की देखभाल में रह जाते हैं। धर्म को गुंडा बनना सिखाया जाता है, लेकिन वह गायक बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जबकि रंजीत ने खुद जेके के तहत शराब, जुआ और अपराध का जीवन अपनाया है। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है
और दोनों स्टेज एक्टर हैं, तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है उसका, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें, तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें, तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें फेंकना। अशोक बोंगा बाबू कुमार के रूप में राज कपूर, राज रानी के रूप में कांत, रणधीर कपूर धर्म के रूप में रेखा, के रूप में बसंती, प्रेमनाथ के रूप में शंकर दादा, दादा सिंह, दारा सिंह, भीम सिंह के रूप में पिंचू कपूर, जेके के रूप में रंजीत ए कुमार के रूप में नरेंद्र नाथ, गंगा के रूप में उर्मिला भट्ट, नीना के रूप में अलका, मास्टर सत्यजीत, यंग धर्म के रूप में बेबी पिंकी, यंग बसंती के रूप में युवा रंजीत ए कुमार के रूप में मास्टर शैलेश, संगीत धर्म करम साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आडी वर्मन मुक्त 1975 रिकॉर्डेड 1975 शैली गीत संगीत लंबाई 38-47 लेबल सारेगामा निर्माता आडी वर्मन आडी वर्मन कालक्रम शोले 1975 धर्म करम 1975 नहले पे दहला 1976 संगीत आर डी वर्मन द्वारा तैयार किया गया था और सारे गामा द्वारा जारी किया गया था। सभी ट्रैक मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 बात थी यार एक बैर की, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल हैप्पी, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। यह गाना लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तू कहाँ गई थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 4 तेरे हम सफ़र गीत हैं तेरे, इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 ना हो बस में तेरे, इस गाने को किशोर कुमार, मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 नचन नहीं आवत, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 7 मुख पे जो छिड़का पानी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 8 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल दुखद, इस गाने को मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको धर्म करम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को
आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। धर्म करम राज कपूर द्वारा निर्मित और रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित 1975 की हिंदी ड्रामा फिल्म है, जो फिल्म में क्रमशः पिता और पुत्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। फिल्म में रेखा, प्रेमनाथ और दारा सिंह भी हैं। संगीत आर डी बर्मन का है और गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं, जिन्हें हिट गीत एक दिन बिक जाएगा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला। इस गाने को फिल्म के दौरान 4 बार बजाया गया है, जिसमें किशोर कुमार, मुकेश और सुषमा श्रेष्ठ ने पार्श्व गायक किया है। उन तीनों में से केवल मुकेश को एक मिला गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के रूप में फिल्म फेयर नामांकन। एक सूत्र के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से नीचे का प्रदर्शन किया। निर्देशक रणधीर कपूर द्वारा लिखित, प्रयागराज द्वारा निर्मित, राज कपूर अभिनीत, राज कपूर, रणधीर कपूर, रेखा, दारा सिंह, जगदीश राज, छायांकन तरुदत्त द्वारा संपादित, शंकर हरदे संगीत दिया है, राहुल देव बर्मन द्वारा वितरित, आरके फिल्म्स लिमिटेड, यशराज फिल्म्स। रिलीज की तारीख 1975, कार्यकारी समय 159 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड शंकर गुंडा है, जो अपनी गर्भवती पत्नी कांता के साथ एक झोपड़ी में रहता है और एक अपराधी के रूप में जीवन यापन करता है। वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि यदि उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा उनके मार्ग पर ना चले बल्कि एक सभ्य और ईमानदार इंसान के रूप में विकसित हो। उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और शंकर जी के नाम के एक और बदमाश के अवैध लाभ को लूटता है। एक उग्र जे के अपने बेटे के अपहरण के प्रयास में शंकर का शिकार करता है, लेकिन शंकर अपने बच्चे को ले जाता है और उसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ बदल देता है। मंच कलाकार अशोक कुमार शंकर जे के और उसके आदमियों के साथ हाथापाई करता है, उनमें से एक की हत्या कर देता है, गिरफ्तार हो जाता है, अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। कांता का निधन हो जाता है, जबकि धर्म एक पहलवान भीम सिंह और एक दाई गंगा की देखभाल में रह जाते हैं। धर्म को गुंडा बनना सिखाया जाता है, लेकिन वह गायक बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जबकि रंजीत ने खुद जेके के तहत शराब, जुआ और अपराध का जीवन अपनाया है। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जे के शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें और खुद जेके के तहत अपराध का जीवन। डिस्चार्ज होने के बाद शंकर को खुशी होती है कि अशोक ने रंजीत को पाला है और दोनों स्टेज एक्टर हैं। तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है
तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें, तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है। जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है, तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें, तब उसकी दुनिया अराजकता में उतर जाती है। जब उसे पता चलता है कि रंजीत धर्म है, जबकि उसका बेटा रंजीत अपराध का जीवन ले चुका है। धर्म से नाराज़ होकर वह उसकी पिटाई करता है और उसे अपने जैसा डाकू बनने के लिए कहता है। वह रंजीत को भी पीटता है और अशोक की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलने को कहता है। जब एक तामसिक जेके शंकर का अपहरण कर लेता है और उसे हर कीमत पर बंधक बना लेता है, तो चीज़ों को नियंत्रण से बाहर देखें फेंकना। अशोक बोंगा बाबू कुमार के रूप में राज कपूर, राज रानी के रूप में कांत, रणधीर कपूर धर्म के रूप में रेखा, के रूप में बसंती, प्रेमनाथ के रूप में शंकर दादा, दादा सिंह, दारा सिंह, भीम सिंह के रूप में पिंचू कपूर, जेके के रूप में रंजीत, ए कुमार के रूप में नरेंद्र नाथ, गंगा के रूप में उर्मिला भट्ट, नीना के रूप में अलका, मास्टर सत्यजीत, यंग धर्म के रूप में बेबी पिंकी, यंग बसंती के रूप में युवा रंजीत, ए कुमार के रूप में मास्टर शैलेश, संगीत धर्म करम, साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आडी वर्मन, मुक्त 1975, रिकॉर्डेड 1975, शैली गीत संगीत लंबाई 38-47, लेबल सारेगामा, निर्माता आडी वर्मन, आडी वर्मन कालक्रम शोले 1975, धर्म करम 1975, नहले पे दहला 1976। संगीत आर डी बर्मन द्वारा तैयार किया गया था और सारेगामा द्वारा जारी किया गया था। सभी ट्रैक मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 बात थी यार एक बैर की, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 2 एक दिन विक जाएगा माटी के मोल हैप्पी, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। यह गाना लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तू कहाँ गई थी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 4 तेरे हम सफ़र गीत हैं तेरे, इस गाने के गायकार किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 ना हो बस में तेरे, इस गाने को किशोर कुमार, मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 नचन नहीं आवत, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 7 मुख पे जो छिड़का पानी, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 8 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल दुखद, इस गाने को मुकेश और पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।